ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इनटू सर्कुलेशन पर मिनट। तो क्या सब याद रखना है कि हार्ट के ईच वेंट्रिकल के द्वारा सर्कुलेशन में जो ब्लड का अमाउंट फेंका जाता है पर मिनट, मतलब एक मिनट में, तो एक मिनट में हार्ट के द्वारा सर्कुलेशन में जो ब्लड का अमाउंट फेंका जाता है या छोड़ा जाता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इनटू सर्कुलेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में या पर मिनट आपका जो हार्ट है वो ब्लड का कितना अमाउंट सर्कुलेशन में छोड़ रहा है, फेंक रहा है, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इसको लिखने के तीन तरीके हैं, पहला स्ट्रोक वॉल्यूम, दूसरा मिनट वॉल्यूम, तीसरा कार्डियक इंडेक्स। पहला स्ट्रोक वॉल्यूम, दूसरा मिनट वॉल्यूम और तीसरा कार्डियक इंडेक्स। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि ईच कॉन्ट्रेक्शन में, अब जब एक बीट होती है या एक कॉन्ट्रेक्शन होता है, एक बीट में, एक बीट का मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रेक्शन और एक रिलैक्सेशन। तो ईच बीट में मतलब एक कॉन्ट्रेक्शन या एक रिलैक्सेशन में एक वेंट्रिकल कितना अमाउंट फेंकता है, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम दैट इज एक्सप्रेस आउट और थ्रू आउट और वेंट्रिकल से बाहर निकलता है पर बीट में। पर मिनट में जो ब्लड का अमाउंट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है, पर मिनट में, मतलब पर मिनट का मतलब क्या, एक कॉन्ट्रेक्शन और एक रिलैक्सेशन में जो ब्लड का अमाउंट बाहर निकल जाएगा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 70 ml। इसका मतलब कि जब हार्ट एक बार कॉन्ट्रेक्ट लेंस किया कितना ब्लड बाहर निकला, 70 ml। कितना निकला, 70 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब एग्जाम में कभी कभी दो नंबर क्वेश्चन आ जाएगा या ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml। दूसरा शब्द जो हमने पढ़ा था कि मिनट वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम का मतलब कि जो एक मिनट में कितने स्ट्रोक वॉल्यूम हो रहे हैं और एक मिनट में कितने स्ट्रोक वॉल्यूम होंगे, मतलब एक मिनट में कितनी बीट हो रही है। तो एक मिनट में कितनी बीट होंगी, 70 से 80 ऑन द एवरेज 72, 100 कितनी होती है 72, तो ऑन द एवरेज 72। तो एक मिनट में कितना ब्लड फेंका जाएगा, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय वेंट्रिकल इन सर्कुलेशन पर मिनट, दैट इज मिनट वॉल्यूम। क्या बोला मैंने कि हार्ट के द्वारा सर्कुलेशन में एक मिनट में कितना वॉल्यूम फेंका जाएगा, दैट इज मिनट वॉल्यूम, उसी को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो उसे जानने के लिए क्या करेंगे, कार्डियक आउटपुट जानने के लिए क्या करेंगे, एक बीट में कितना ब्लड निकल रहा था मल्टीप्लाई बाय एक मिनट में कितनी बीट थी। तो एक मिनट में कितनी बीट थी, 70 से 72, और एक मिनट में कितना निकल रहा था, एक बीट में कितना निकल रहा था, 70 ml। 70 ml मल्टीप्लाई बाय 70 से 72, 70 ml को जब 70 से 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर। तो एक मिनट में आपका हार्ट 5 मीटर ब्लड फेंक देता है। तो जो आपकी बॉडी के अंदर 5.5 लीटर खून है वो एक मिनट में अंदर हार्ट के अंदर चला गया और हार्ट जो है उसको दोबारा से फेंक दे रहा है, तो दैट इज कार्डियक आउटपुट। तीसरा शब्द है कार्डियक इंडेक्स। क्या है कार्डियक इंडेक्स? कार्डियक इंडेक्स मतलब कार्डियक आउटपुट पर यूनिट बॉडी सरफेस एरिया। आपकी जो बॉडी है वो 5.5 मीटर लंबी है, 5.5 फीट, तो 5.5 फीट मतलब 1.7 मीटर स्क्वायर, कितनी, 1.7 मीटर स्क्वायर। तो पर यूनिट बॉडी सरफेस एरिया आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो कितना है, तो कार्डियक आउटपुट की वैल्यू कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर या 5.5 मीटर, उसको आपने डिवाइड किया आपके बॉडी के सर्फेस एरिया से, तो उसकी यूनिट रखेंगे वो मीटर में रखेंगे, तो 1.7 मीटर स्क्वायर, कितनी, 1.7 मीटर स्क्वायर। तो 5 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे, 1.7 से डिवाइड करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा, कितना आएगा, 3। तो 3 लीटर पर मिनट मीटर स्क्वायर, 3 लीटर पर मिनट मीटर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है, कार्डियक आउटपुट का मतलब है आपका हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड फेंकता है सर्कुलेशन में, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट को लिखने के तीन तरीके हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम और कार्डियक इंडेक्स। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रेक्शन एक रिलैक्सेशन, मतलब एक बीट में कितना अमाउंट फेंका जा रहा है, तो एक बीट में कितना फेंका जा रहा है, 70 ml। मिनट वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक्चुअली मिनट वॉल्यूम इज द कार्डियक आउटपुट। मिनट वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक मिनट में कितना फेंका जा रहा है, तो एक मिनट में कितना फेंका जा रहा है कैसे निकालेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई एक मिनट में कितनी हार्ट रेट होती है, 70 ml मल्टीप्लाई बाई 72 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर। कार्डियक इंडेक्स का मतलब क्या है, आपकी बॉडी का जो सर्फेस यूनिट एरिया है, तो पर यूनिट बॉडी सर्फेस एरिया में कितना कार्डियक आउटपुट है, तो दैट इज 5 ml डिवाइडेड बाई 1.7 मीटर स्क्वायर, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये आया 5.5 लीटर ब्लड, और ये 5.5 लीटर ब्लड कौन से बॉडी ऑर्गन में कहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा जाता है लीवर में, अप्रोक्सीमेटली 1500 लीटर चला जाता है। उसके बाद जाता है किडनी में, अप्रोक्सीमेटली 1300 में चला जाता है।
एक हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट, ब्रेन के अंदर 750 ml, लंग्स के अंदर 500 ml, हार्ट के अंदर 250 ml, 750 ml, 500 ml, 250 ml, कितना हो गया, 15 चला गया था लीवर में, 13 चला गया था किडनी में, और ये 15 चला गया ब्रेन में, लंग्स में और हार्ट में। फिर दो चीजें बची, एक स्केलेटल मसल्स और दूसरा स्किन। स्केलेटल मसल्स और जो बचे कुचे ऑर्गन है इसके अंदर 1000 ml और जो स्किन है उसके अंदर 500 ml, 1000 प्लस 500 1500 ml। तो इस प्रकार 25% 25% 25% 25% इक्वल टू 100%। तो जो 500 ml ब्लड है वो पूरी बॉडी में फेंक दिया जाता है। सबसे पहले लीवर में 1500 ml, फिर किडनी में 1500 ml, ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट 750 ml, 1500 ml। उसके बाद आया स्केलेटल मसल्स और दूसरे बॉडी ऑर्गन 1000 ml और स्किन के अंदर 500 ml, टोटल 25%। इस प्रकार जो 5.5 लीटर बॉडी का ब्लड था वो पूरी बॉडी में फेंक दिया गया। फिर आया कि रेगुलेट कैसे होता है, तो कौन कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन ये थी कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट। तो जो फैक्टर स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करेंगे वो कार्डियक आउटपुट को भी रेगुलेट करेंगे, जो फैक्टर हार्ट रेट को रेगुलेट करेंगे वो कार्डियक आउटपुट को भी रेगुलेट करेंगे। तो पहला पढ़ लेते हैं हार्ट रेट। तो हार्ट रेट किससे रेगुलेट होगी, जो नर्व्स आपके हार्ट को सप्लाई कर रही होगी उससे रेगुलेट होगी ना हार्ट रेट। तो दैट इज कार्डियक इनर्वेशन, दैट इज कार्डियक इनर्वेशन। और ब्रेन मेडुला के अंदर जो हायर सेंटर रहते हैं वो हार्ट रेट को रेगुलेट करेंगे। तो क्योंकि आपकी हार्ट रेट ब्रेन मेडुला के अंदर हायर सेंटर है उससे रेगुलेट होती है, और आपकी जो हार्ट रेट होती है वो नर्व सप्लाई से रेगुलेट होती है। तो दो सब याद रखने, कार्डियक इनर्वेशन और हायर सेंटर इन द मेडुला, वो आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं, इसलिए कार्डियक आउटपुट को भी रेगुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा फैक्टर आया स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको रेगुलेट करने की दो तरह की मैकेनिज्म है, एक हिट्रोमेट्रिक और दूसरा होमोमेट्रिक। तो हिट्रोमेट्रिक और होमोमेट्रिक में अंतर क्या है, हिट्रो का मतलब अलग अलग, मेट्रिक का मतलब लंबाई। तो हिट्रोमेट्रिक का मतलब क्या है, ये नियम क्या कहता है, ये फ्रैंक स्टर्लिंग का लॉ है। तो एग्जाम में दो नंबर में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ। तो फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ क्या कहता है, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की रेट है वो कार्डियक मसल फाइबर की लंबाई पे डिपेंड करती है। जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की रेट है वो कार्डियक मसल फाइबर की लंबाई पे डिपेंड करती है। अगर वो लंबे होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन की रेट अलग होगी, अगर वो छोटे होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन की रेट अलग होगी। तो हिट्रोमेट्रिक, हिट्रो मतलब अलग अलग, मेट्रिक मतलब लंबाई। तो अगर अलग अलग लंबाई है तो कॉन्ट्रैक्शन भी अलग अलग होगा। होमोमेट्रिक, होमो का मतलब सेम, मेट्रिक का मतलब लंबाई। तो वो बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन की रेट है वो लंबाई पर डिपेंड नहीं करती है। तो दैट इज होमोमेट्रिक और दैट वाज हिट्रोमेट्रिक। तो भाई लंबाई पे डिपेंड नहीं करती तो किस पे डिपेंड करती है, होमोमेट्रिक वाले चलते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, कार्डियक इनर्वेशन पे डिपेंड करती है, कार्डियक इनर्वेशन। नर्व सप्लाई जैसी होगी उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, दैट वाज होमोमेट्रिक। हिट्रोमेट्रिक क्या कहते हैं कि वो कार्डियक इनर्वेशन पे इंडिपेंडेंट होती है, उस पे डिपेंड नहीं करती। तो वो किस पे डिपेंड करेगी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो बढ़ जाएगी कॉन्ट्रैक्शन, और जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन घट जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट कैसे करते हैं, कार्डियक आउटपुट कैसे हमें पता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करने वाले फैक्टर और हार्ट रेट को रेगुलेट करने वाले फैक्टर ही कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करेंगे। क्योंकि हार्ट रेट नर्व सप्लाई से और ब्रेन मेडुला के अंदर जो हायर सेंटर रखे हैं उससे रेगुलेट होता है, तो ये जो फैक्टर है वो हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं। तो फिर आया स्ट्रोक वॉल्यूम किससे रेगुलेट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करने की दो मैकेनिज्म है, दो इनर्वेशन है, एक हिट्रोमेट्रिक और दूसरा होमोमेट्रिक। हिट्रोमेट्रिक का मतलब क्या है, अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन सब कुछ नॉर्मल है, तब की बात कर रहे हैं, पैथोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। अंडर फिजियोलॉजिकल लिमिट द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कार्डियक मसल्स फाइबर लेंथ। तो जितनी लंबाई होगी मसल्स फाइबर की उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस नियम को फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ कहते हैं। होमोमेट्रिक का मतलब क्या है, होमो का मतलब सेम, मेट्रिक का मतलब लंबाई। तो जो होमो कॉन्ट्रैक्शन सेम रहता है वो लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, तो दिस इज होमोमेट्रिक। भाई लंबाई पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करता है, कार्डियक इनर्वेशन पे। अब चलते हैं हिट्रोमेट्रिक, वो किस पे डिपेंड करता है, वो कार्डियक इनर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। दिस इज कार्डियक